दोस्तों, हिमाचल अपडेट चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। गगरेट की एक मार्केटिंग कंपनी में कार्यरत एक युवक के जम्मू में कोविड 19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद गगरेट क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लॉकडाउन के बाद ये युवक अपने साथियों के साथ गगरेट में ही रह रहा था। प्रशासन द्वारा 2 मई को जम्मू रवाना किए गए इस कंपनी के 124 युवकों के साथ ये युवक भी बस में सवार होकर जम्मू के लिए रवाना हुआ था। जम्मू प्रशासन द्वारा इसकी सूचना जिला प्रशासन को देने के बाद जिला प्रशासन ने इसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तैयार करनी शुरू कर दी है। जिस भवन में ये युवक अपने साथियों के साथ रहता था, उस भवन में उसी कंपनी के अभी भी करीब 30 युवक रह रहे हैं। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर उस भवन को भी सील करने के साथ करीब 2 किलोमीटर के क्षेत्र को भी सील कर दिया है। क्वेश्चन, तो फिलहाल तो हम ये बिल्डिंग को सील कर दे रहे हैं और जो हमारा हॉटस्पॉट बनेगा वो तकरीबन हमारा मोटा चौक से कलो चौक तक बनेगा। इसको हम सील कर देंगे और डाइवर्टरी भी बना देंगे और ये जो बच्चे यहाँ पे कोई 30 है क्या, इनके सैम्पलिंग हम कल कलेक्ट कर देंगे और जो जो भी इनके साथ एसोसिएटेड थे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमारी शुरू कर दी है हमने। और जो 2 तारीख को हमने रुख्सत की थी ये 4 बसें, उसमें जो जो कॉन्टैक्ट थे, ड्राइवर्स थे, जो हमारे पटवारी थे, जिन्होंने डॉक्टर जिन्होंने वो लिस्ट वगैरह की, उन सबको हम क्वारंटाइन कर लेंगे 14 दिन के लिए। फिर एक्टिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ये मेडिकल टीम करेगी, उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। ओके सर, जिस इस कंपनी में ना बहुत से बच्चे काम करते हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पे, अभी भी सैकड़ों यहाँ पे होंगे, तो आप पर्टिकुलरली इस बिल्डिंग के बच्चों को करें? फिलहाल क्योंकि फिलहाल तो यही हमारा हॉटस्पॉट है ना, बाकी तो सारा मार्केट बंद रहेगी। ये सारा हमारा हॉटस्पॉट बन गया ना, ये अम्बोटा से लेके कलो तक मोटा सारा बंद रहेगा, टोटली बंद रहेगा सर। गगरेट, अम्बोटा, कलो सारा बंद रहेगा। हाँ, बंद रहेगा सारा।